तो जी यहाँ पर हमारी शीर बन के तैयार है। आज हमने कमी बनाई है क्योंकि अभी गोश्त भी बनना है, कलेजी बनेगी और रोटियाँ बनेंगी, तो फिर इसलिए मैंने जो है ना अभी 5 किलो दूध की ही बनाई है। चलो पापा को दिया। फिर ये तैयार है। अरे 10 बार बोलेगी तो 10 बार करना पड़ेगा। उसने 2 बार ईद इसलिए मिली ना, बच्चे ईद क्यों मिलते हैं भाई है? चलो अब तुम तब तक तैयार हो। हे गाइस, तो यहाँ पर मेरी जो ये परी है वो होके हो गई है रेडी, तैयार होके। पास आओ पास आओ। हाँ, और ये वाला जो ड्रेस है वो इस बार मैंने शॉपिंग नहीं करी, इस बार इनायत के पापा लेकर आए हैं उनके लिए कपड़े। मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। मम्मा पापा दोनों को मेरी चॉइस पता है उन्हें क्या पसंद है। चलो जी, ये था थी इनायतू और अब अल्फिया की बारी। अफू आओ, मेरी सोना तो देख, मेरा चांदी तो देख, कितना प्यारा लग रहा है। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए मेरे दोनों बच्चों को। आओ दोनों बच्चे साथ में आओ। अफू आप कुछ कहना चाहेंगी? ईद मुबारक तो बोल दो सारी खाला जी को। ईद मुबारक सारी खाला जी को। ठीक है, ओ मेरे बच्चा इनायत आप अपनी मेहंदी दिखाओ। ये देखो इनायतों की मेहंदी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और मुझे ना बच्चों के ऊपर ऐसे ही सिंपल और थोड़े खुले खुले से डिज़ाइन पसंद है। हाँ, अपने लिए तो मुझे भरवा डिज़ाइन पसंद है, बट बच्चों के लिए मैंने इनायत को कभी भी एकदम हॉश पॉश वाली मेहंदी नहीं लगवाई है, थोड़ी खुली खुली सी। और ये पैचेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पीछे बन जाते हैं ना तो बस बच्चों का ईद हो जाती है। वैसे भी स्कूल खुलने वाले हैं तो मैम डांटेंगी, तो इसलिए ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई है। और अभी इनकी बोनी नहीं हुई है, अभी इन दोनों की बोनी नहीं हुई है, मतलब अभी तक इनका स्टार्ट भी नहीं हुई है ईद ही। और बच्चों को क्या, ये देखो पर्स ले लेके घूम रही है। अभी ये खाली हैं, खाली हैं, ओ अभी तो ये खाली हैं। अल्लाह से लेकिन अभी होने वाले हैं, फिल होने वाले हैं, फिल हो जाएंगे। अफू आपका भी फिल हो जाएगा। कौन करेगा फिल? कौन करेगा? तेरे पापा। हंड्रेड रुपीज़ बच्चा, मैंने समझाया ना किसी से भी आप ईदी नहीं मांगना, अगर अपनी खुशी से कोई देता है ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी से भी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। और वैसे भी इसी पे ईदी नहीं मिलती, मम्मा पापा से लो, मम्मा पापा देते हैं, बाकी और किसी से नहीं, ठीक है ना। चलो जी, बाय बोलो सबको, अल्लाह हाफिज़। अब ये जा रहे हैं अपने नन्ना नानू से मिलने के लिए। अरे दोनों जनी साथ तो आ जाया करो, मैं फ़ोटो तो खींच लूँ। अफू तो पता नहीं कहाँ दूर दूर सी रहती है अपी से। चलो फ़ोटो खींचते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है ना खाना बन चुका है और मैंने कलेजियाँ बना दी हैं और हस्बैंड अब खाएंगे और बताएंगे कैसी बनी है। खाएगी तो ले चलूंगा ले नहीं तो सोच मेले में पापा वो पूरी एक रोटी खाएगी को वो दिला रहे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, भूल जाते लालच मेले जाने के लिए। मैं नहीं खाती, आपको पता है बचपन से नहीं खाते रही हूं। कैसे है पापा? बहुत बढ़िया। अच्छी बनी है? चलो जी, और अब हो रहे हैं 1 बज रहा है। इनायत बंद करो इसको, 1 बज रहा है और मैं खाना सब चीज़ों से अब फुर्सत पा ली है और सुबह 5 बजे से लगी हुई हूँ, तो लिटरली 7 घंटे हो गए हैं कुछ ना कुछ करते हुए। अब फ्री हो गए हैं और बस अभी गोश्त आ जाएगा तो फिर गोश्त काट के वो भी बांटेंगे, हिस्सा लगेगा सबका। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4 और मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि थकान बहुत हो गई। अभी मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए और अभी उठी हूँ तो यहाँ चाय बन रही है। मम्मी पापा को भिजवाऊँगी ऊपर और बच्चे जो है ना मेरे वो सो रहे हैं अंदर, ये दोनों के दोनों सो रहे हैं, एसी चल रहा है तो आराम कर रहे हैं। मैंने कहा आप लोग सो जाओ क्योंकि ना बच्चों को भी थकान हो जाती है इधर उधर घूमते हुए। हालांकि ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि आज इतनी ज़ोर से बारिश आई थी ना, इस वजह से बच्चे ज़्यादा जा नहीं पाए बाहर में,
एक दो राउंड में ही थक गए। इनायत तो काट के आई, और इनायत ने दी है आज ईदी अपने पापा को, बहुत प्यारी सी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद, थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि अभी खाना पीना खाते हैं। और पता नहीं क्यों ईद वाले दिन ना बकरीद पे तो मेरे से नहीं खाया जाता कुछ भी, तो मैंने तो दाल बनाई थी, बस दाल से रोटी खाऊंगी और भिंडी की सब्जी है उससे खाऊंगी खाना। अभी देखो क्या बनाती हूँ शाम को, देखते हैं। चलो फिलहाल तो पीते हैं चाय। तो गाइस 7 बज चुके हैं और लिटरली मैंने जो है ना कपड़े नहीं पहने, मतलब नए कपड़े नहीं पहने हैं। हाँ बस टी शर्ट अपने लिए ले आई थी मैं नया वाला, तो ये मैंने नया वाला टी शर्ट वेयर कर लिया है। सुबह से कामों से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं करे हैं जो मैं लेकर आई हूँ कुर्ते। और ये सारा काम जो है ना ये हमने तमाम कर दिया है, सारे पीसेस करके रख दिए हैं, आधे से ज़्यादा बांट चुके हैं, आधे से ज़्यादा अभी भी बचे हुए हैं। हस्बैंड जा रहे हैं बाइकों पे सबके हिस्से ले लेके, तो बस यही सब चल रहा है ईद पे हमारा। अच्छा जी, तो गाइज अब हो रखा है, रात के बज रहे हैं 7 और अब बच्चों को भूख लगी आई थी, हमें भी भूख लगी आई थी, तो सोचा चलो कुछ बाहर का खाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड और मैं आ गए थे बच्चों के लिए लेने के लिए पिज़्ज़ा, और मैंने अपने लिए ऑर्डर करे थे मंचूरियन, वेज मंचूरियन, जो कि बहुत ही यमी थे ड्राई वाले। और घर पे पनीर भी था, सब कुछ था, लेकिन मन नहीं हो रहा था, इच्छा नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा बाहर से ही ले आते। वैसे तो हम लोग ऑर्डर कर रहे थे मैकडोनल्ड से, नहीं डोमिनोज से, तो उसमें पता नहीं क्या पराठा पिज़्ज़ा दिखा रहा था, तो मैंने कहा ये तो सबसे बकवास होता है, ये रहने दो हम खुद ही चलते। तो इन्होंने ईट आउट वालों ने अपना ही ये पिज़्ज़ा शॉप खोला है, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके, तो हमने कहा चलो ईट आउट के तो होते ही। तो जी हमारे अब हो रहा है डिनर का टाइम, जो डिनर नहीं है वो पिज़्ज़ा पार्टी है, पिज़्ज़ा पार्टी है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे पिज़्ज़ा पार्टी, चलो खोलो जल्दी खोलो। तुम लोगों ने चिली फ्लेक्स गिरा दिए है क्या? नहीं मम्मा, जितने ये गिर रहे हैं बच्चे, फट रखा है पैकेट, ये तुम लोगों को चिली लग जाएगी, मतलब मिर्ची लग जाएगी, चिली लग जाएगी कह रही हूँ। रुको 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 इनायत रुको, मैं अब करती हूँ। ये है हमारा पिज़्ज़ा, इसने दिल ले लिया। चलो दिल ले लिया। हाँ, अब बस खा रहा है इसे और कुछ नहीं है। ये मेरी अप्पू का दिल लेने वाला पिज्जा, ये तो सॉफ्ट है ना, मन कर रहा बस उठाल। अच्छा वो वहाँ से ऑर्डर नहीं करा, तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर रहे थे, मुझे लग ही रहा था। अप्पू हम दोनों के मिनी मिनी पिज्जा है, मिनी पिज्जा, मिनी मिनी बच्चों के मिनी मिनी पिज्जा। इनायत मुझे मत दिखाओ बेटा। अच्छा पावापंती, चलो अब तुम लोग इस पर क्या डालोगे, केचप या फिर चिली फ्लेक्स या ऑर्गेनो? ऑर्गेनो, ऑर्गेनो डाल लो। मैं बताना ये है। हाँ कोल्ड ड्रिंक निकालूँ या नहीं? हाँ जी, तो पिज़्ज़ा पार्टी हो चुकी है और हम लोगों ने माशाल्लाह से खाना खा लिया था पेट भर के। आसिफ जी ने कलेजी खाई थी, तो मैंने उनके लिए कलेजी बनाई तो दोपहर में ही थी, तो वही थी, रोटियां भी थी, और फिर मैंने एक अंडे की ऑमलेट बना के उनको दे दी थी, तो उन्होंने भी माशाल्लाह अपना खाना खाया, क्योंकि वो चाइनीज़ और ये बाहर का नहीं खाते हैं इतना ज़्यादा, घर का ही वो दाल रोटी या चटनी रोटी या चार से रोटी प्रेफर करेंगे। तो बस ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस बार की ईद के, और कैसे लगे आपको बताइएगा ज़रूर। और मैंने अभी तक अपना लुक इसलिए शेयर नहीं करा क्योंकि कुछ लुक क्रिएट ही नहीं करा था, कुछ भी नहीं कर पाई थी। सबसे पहले तो मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई थी, तो जब तक थ्रेडिंग नहीं होती तो मुझे मेकअप करने का मन नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से हमारी ईद भी थी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये थे हमारे मंचूरियन।